गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जिस पर बीती जनवरी में पॉक्सो एक्ट के तहत बादशाहपुर थाने में मामला दर्ज था। एसीपी प्रियांशु देवान ने बताया कि एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म के इस ब्लाइंड केस में बिना किसी एविडेंस के इस बदमाश को पकड़ने में गुरुग्राम पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गुरुग्राम से फरार हो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में मजदूरी कर रहा था और इसी दौरान गुरुग्राम पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर गुरुग्राम, फरीदाबाद के अलावा मध्य प्रदेश में भी दो और मामले दर्ज हैं। फरीदाबाद में इसने अपनी ही बीवी पर जानलेवा हमला किया था। उस मामले में 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था और इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन ये कोर्ट में पेशी के दौरान वहां से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिस पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था। 12 जनवरी 2023 को हमारे पास एक महिला की दरखास्त आई थी जिसमें उसने एलिगेशन लगाए थे कि उनकी 3 साल की पोती के साथ किसी ने दुष्कर्म किया। तो इसमें बादशाहपुर थाने में इसमें पॉक्सो के जो भी नियमित सेक्शन है उसके अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज हुई और उसमें फिर टेक्निकल एविडेंसेस के नाम पे इसमें जो आरोपी है उसको बादशाहपुर थाने की जो टीम है एसएचओ इंस्पेक्टर सतीश देशवाल के नेतृत्व में उन्होंने उस आदमी को गिरफ्तार किया। सर, कौन है ये व्यक्ति, कहाँ का रहने वाला है? इस व्यक्ति की पहचान अभी ड्रे उर्फ गोविंद के रूप में हुई है और ये मजदूरी का काम करता है और इसको बादशाहपुर पुलिस थाने की टीम ने आपके नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से इसको गिरफ्तार किया, गांव बरभान से गिरफ्तार किया। इसके अलावा कौन से मामले इस पर दर्ज हैं? इसके अलावा इस व्यक्ति के खिलाफ 3 और मुकदमे दर्ज हैं जिसमें 2 मध्य प्रदेश में हैं और 1 फरीदाबाद जिले में, जिसमें फरीदाबाद जिले में एक संगीन आरोप जिसमें ये 307 का भी आरोपी है वो भी इसके खिलाफ दर्ज हुआ। जो 307 का आरोप बता रहे हैं मुकदमा दर्ज हुआ, वो किसको, किसके ऊपर इसने हत्या का प्रयास किया? इसने हत्या का प्रयास अपनी ही पत्नी के ऊपर किया था जिसमें गिरफ्तार तो ये कर लिया गया था परंतु ये कोर्ट की पेशी से फरार था और फिर इसमें हमने इसको गिरफ्तार किया अपने मुकदमे में। ये एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा। तो किस तरह से पकड़ में आया, कितनी मशक्कत करनी पड़ी गुरुग्राम पुलिस को इसको पकड़ने में? देखिए, इसमें हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन दोनों का सहारा लिया जिसमें हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके सारे के सारे सबूत साक्ष्य किए और जितने भी इसके आस पड़ोस के लोग थे उनसे जितने साक्ष्य जुटे और उसके बाद जो इनके नंबर आए उस पर फिर हमने मतलब रेड करके इस व्यक्ति को अरेस्ट। आरोपी के खिलाफ फरीदाबाद में हत्या के प्रयास का एक केस व मध्य प्रदेश में लड़ाई झगड़े मारपीट करने के 2 केस पहले ही दर्ज हैं। बहरहाल आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, देखना होगा कि पुलिस पूछताछ के दौरान ये क्या कुछ खुलासे करता है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए गुरुग्राम से निर्ज वशिष्ठ की रिपोर्ट।